पॉजिटिव वाइब्स है इस घर में। परपो जी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। कौन है तू? बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद बखुद रास्ता बता देते। जैन सर, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है ना, उसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए उनके दिलों में खौफ बना रहना जरूरी। जब जब जिसके लगने हैं तब तब उसके लगते हैं। अब उसे इत्तेफाक कहो या फिर What the fuck? मेरे बॉस हमेशा कहते थे कि सर्वेलेंस में लिसनिंग इज अ फाइन आर्ट। एक ईमानदार फौजी था, एक दिन लड़ते लड़ते बहुत दूर निकला है। Surrender yourself. मैं ज़बान नहीं दे रहा हूँ। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा पाए। A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है। शादी कर लेनी चाहिए वैसे। प्लान तो वही है। जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें, तो खुद से पूछें ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। टोबैको यूज लीड्स टू कैंसर, हार्ट अटैक्स, लंग डिसऑर्डर्स एंड अदर डेडली डिजीजेस। द कैरेक्टर्स शोन इन दिस फिल्म और प्रोग्राम डू नॉट सपोर्ट द यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स सच एज बीड़ी, सिगरेट्स, खैनी, जर्दा एटसेट्रा और देयर प्रमोशन इन एनी मैनर।
तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिंपल चीमा यानी कियारा अडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा अडवाणी जब भी पर्दे पर आती है अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है। फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है, इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएं होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्ज इन देन लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा आडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव पंडित फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है। एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर, मेजर अजय सिंह जसोरटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है। वह फिल्म में कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा, उनको लेकर आपको बतौर दर्शक की कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म्स ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है उसे देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है। फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी जाए, यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता, निर्देशक, कलाकार को देशद्रोही, समाजद्रोही बता
बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी पर फिरी चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के शेरशाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिम्पल से मोहब्बत हो जाती है जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिम्पल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि जल्दी लौटना है तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णुवर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई 2 चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा अपने सीनियर को, इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर। पहले नाइक पॉइंट 5,140 चोटी को पाकिस्तानियों से आज़ाद करता है और फिर पॉइंट 4,875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का ख़त्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस OTT को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म के रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म, वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें यह सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि OTT के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपने के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है। लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की 16 अवस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बाल छीनता है तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपटकर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियां इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में
करनी है, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार के मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि दो रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णु वर्धन की फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है। निर्देशक विष्णु वर्धन ने फिल्म की पटकथा को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती है। फिल्म शुरू में हालांकि दिखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को तो फिल्म भी थोड़ा बहुत फुटेज में मिला भी है, लेकिन शिव पंडित, निकेतन धीर जैसे कलाकारों के साथ निर्देशक न्याय नहीं कर सके। सताफ फिगार ने अपनी तरफ से किरदार की कद्र करने की पूरी कोशिश जरूर की है। फिल्म शेरशाह को इसके रोमानी ट्रैक से मदद न मिल पाना इसकी आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। फिल्म कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी ने फिर एक बार अपने हुनर के साथ नाइंसाफी होने देने की इजाजत इस फिल्म में दी है। फिल्म में जब वह कहती हैं कि वह शादी या तो विक्रम से करेंगी या फिर कभी नहीं करेंगी, उनके किरदार का सेटअप और पे आप बहुत बचकाना लगता है। पटकथा की प्रगति में भी उनका किरदार ना भावनाएं जगा पाता है और ना ही उनका किरदार दर्शकों से कोई संबंध बना पाता है। फिल्म शेरशाह सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बचाने के लिए बनी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी श्रेणी के साथ न्याय करने से तो चूकती ही है, इसके हीरो को भी उस मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां उनके आगे की राह और मुश्किल होती दिख रही है। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिंपल चीमा ने कियारा आडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा आडवाणी जब भी पर्दे पर आती है अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है। फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है, इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएं होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्ज इन देन लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा आडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव पंडित फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है, एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर मेजर अजय सिंह जसोटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है। वह फिल्म में
कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा, उनको लेकर आपको बतौर दर्शक कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म्स ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है, उसे देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है। फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी जाए, यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता निर्देशक कलाकार को देशद्रोही समाजद्रोही बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी पर फिरी चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के शेरशाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिंपल से मोहब्बत हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिंपल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा, तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि लौटना है, तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णु वर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई 2 चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा अपने सीनियर को, इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर। पहले नाइक पॉइंट 5,140 चोटी को पाकिस्तानियों से आज़ाद करता है और फिर पॉइंट 4,875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का ख़त्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते,
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस OTT को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म की रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म, वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें यह सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि OTT के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपनी पसंद के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है। लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की किशोरावस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बॉल छीनता है तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपटकर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियां इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में है, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार की मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि दो रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णु वर्धन की यह फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है। निर्देशक विष्णु वर्धन ने फिल्म की कथा को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती हैं। फिल्म शुरू में हालांकि दिखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को तो फिल्म भी थोड़ा बहुत फुटेज में मिला भी है, लेकिन शिव पंडित, निकेतन धीर जैसे कलाकारों के साथ निर्देशक न्याय नहीं कर सके। सताफ फिगार ने अपनी तरफ से किरदार की कद्र करने की पूरी कोशिश जरूर की है। फिल्म शेरशाह को इसके रोमानी ट्रैक से मदद न मिल पाना इसकी आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। फिल्म कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी ने फिर एक बार अपने हुनर के साथ नाइंसाफी होने देने की इजाज़त इस फिल्म में दी है। फिल्म में जब वह कहती हैं कि वह शादी या तो विक्रम से करेंगी या फिर कभी नहीं करेंगी, उनके किरदार का सेटअप और पे आप बहुत बचकाना लगता है। पटकथा की प्रगति में भी उनका किरदार ना भावनाएँ जगा पाता है और ना ही उनका किरदार दर्शकों से कोई संबंध बना पाता है। फिल्म शेरशाह सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बचाने के लिए बनी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी श्रेणी के साथ न्याय करने से तो चुकती ही है, इसके हीरो को भी उस मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है जहां उनके आगे की राह और मुश्किल होती दिख रही है। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे
बाद सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिम्पल चीमा यानी कियारा अडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा अडवाणी जब भी पर्दे पर आती है अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है। फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है, इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएं होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्जर देन लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा अडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव पंडित फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है। एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर मेजर अजय सिंह जसोरटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है। वह फिल्म में कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा उनको लेकर आपको बतौर दर्शक की कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म्स ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है। फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी जाए, यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता निर्देशक कलाकार को देशद्रोही समाजद्रोही बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची
ठंडी बर्फीली चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के सरसाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिम्पल से मोहब्बत हो जाती है जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिम्पल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि जल्दी लौटना है तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णुवर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई 2 चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा। अपने सीनियर को इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर। पहले नाइक पॉइंट 5140 चोटी को पाकिस्तानियों से आज़ाद करता है और फिर पॉइंट 4875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का ख़त्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस OTT को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म के रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें यह सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि OTT के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपनी पसंद के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है। लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की 16 अवस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बाल छीनता है तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपटकर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियां इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में है, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार की मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि 2 रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णुवर्धन की यह फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है। निर्देशक विष्णुवर्धन ने फिल्म की पटकथा
क्षमता को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती हैं। फिल्म शुरू में हालांकि देखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को तो फिल्म भी थोड़ा बहुत फुटेज में मिला भी है, लेकिन शिव पंडित, निकेतन धीर जैसे कलाकारों के साथ निर्देशक न्याय नहीं कर सके। सताफ फिगार ने अपनी तरफ से किरदार की कद्र करने की पूरी कोशिश जरूर की है। फिल्म शेरशाह को इसके रोमानी ट्रैक से मदद न मिल पाना इसकी आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। फिल्म कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी ने फिर एक बार अपने हुनर के साथ नाइंसाफी होने देने की इजाजत इस फिल्म में दी है। फिल्म में जब वह कहती हैं कि वह शादी या तो विक्रम से करेंगी या फिर कभी नहीं करेंगी, उनके किरदार का सेटअप और पे आप बहुत बचकाना लगता है। पटकथा की प्रगति में भी उनका किरदार ना भावनाएं जगा पाता है और ना ही उनका किरदार दर्शकों से कोई संबंध बना पाता है। फिल्म शेरशाह सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बचाने के लिए बनी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी श्रेणी के साथ न्याय करने से तो चुकती ही है, इसके हीरो को भी उस मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है जहां उनके आगे की राह और मुश्किल होती दिख रही है। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिंपल चीमा यानी कियारा आडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13 JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा आडवाणी जब भी पर्दे पर आती है अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है। फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है, इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएं होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्ज इन देन लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा आडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव पंडित फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है, एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर मेजर अजय सिंह जसोटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है। वह फिल्म में कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा, उनको लेकर आपको बतौर दर्शक की कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म्स ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है।
फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी जाए, यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता निर्देशक कलाकार को देशद्रोही समाजद्रोही बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी पर फिरी चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के शेरशाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिंपल से मोहब्बत हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिंपल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा, तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि लौटना है तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णु वर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई 2 चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा। अपने सीनियर को इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर। पहले नाइक पॉइंट 5,140 चोटी को पाकिस्तानियों से आज़ाद करता है और फिर पॉइंट 4,875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का ख़त्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस OTT को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म की रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म, वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें यह सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि OTT के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपनी पसंद
पसंद के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है, लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की शौरावस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बॉल छीनता है तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपटकर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियां इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में है, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार की मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि दो रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णु वर्धन की यह फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है। निर्देशक विष्णु वर्धन ने फिल्म की कथा को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती है। फिल्म शुरू में हालांकि दिखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को तो फिल्म भी थोड़ा बहुत फुटेज में मिला भी है, लेकिन शिव पंडित निकेतन धीर जैसे कलाकारों के साथ निर्देशक न्याय नहीं कर सके। सताफ फिगार ने अपनी तरफ से किरदार की कद्र करने की पूरी कोशिश जरूर की है। फिल्म शेरशाह को इसके रोमानी ट्रैक से मदद न मिल पाना इसकी आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। फिल्म कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी ने फिर एक बार अपने हुनर के साथ नाइंसाफी होने देने की इजाज़त इस फिल्म में दी है। फिल्म में जब वह कहती हैं कि वह शादी या तो विक्रम से करेंगी या फिर कभी नहीं करेंगी, उनके किरदार का सेटअप और पे आप बहुत बचकाना लगता है। पटकथा की प्रगति में भी उनका किरदार ना भावनाएँ जगा पाता है और ना ही उनका किरदार दर्शकों से कोई संबंध बना पाता है। फिल्म शेरशाह सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बचाने के लिए बनी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी श्रेणी के साथ न्याय करने से तो चुकती ही है, इसके हीरो को भी उस मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है जहां उनके आगे की राह और मुश्किल होती दिख रही है। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिंपल चीमा ने कियारा आडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा आडवाणी जब भी पर्दे पर आती हैं अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है।
फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है, इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएं होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्जर देन लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा आडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव पंडित फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है, एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर मेजर अजय सिंह जसोरटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है। वह फिल्म में कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा, उनको लेकर आपको बतौर दर्शक की कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है। फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी जाए, यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता, निर्देशक, कलाकार को देशद्रोही, समाजद्रोही बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी पर फिरी चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के शेरशाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिंपल से मोहब्बत हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिंपल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा, तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि
नजदीक लौटना है तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णु वर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई दो चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा। अपने सीनियर को इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर। पहले नाइक पॉइंट 5140 चोटी को पाकिस्तानियों से आज़ाद करता है और फिर पॉइंट 4875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का ख़त्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस ओटीटी को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म की रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें ये सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि ओटीटी के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपनी पसंद के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है। लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की किशोरावस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बॉल छीनता है तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपटकर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियां इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में है, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार की मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि दो रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णु वर्धन की यह फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है। निर्देशक विष्णु वर्धन ने फिल्म की कथा को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती हैं। फिल्म शुरू में हालांकि दिखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को तो फिल्म भी थोड़ा बहुत फुटेज में मिला भी है, लेकिन शिव पंडित, निकेतन धीर जैसे कलाकारों के साथ निर्देशक न्याय नहीं कर सके। सताफ फिगार ने अपनी तरफ से किरदार की कद्र करने की पूरी कोशिश जरूर की है। फिल्म शेरशाह को इसके रोमानी ट्रैक से मदद न मिल पाना इसकी आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। फिल्म कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी ने फिर एक बार अपने हुनर के साथ
नाइंसाफी होने देने की इजाज़त इस फिल्म में दी है। फिल्म में जब वह कहती हैं कि वह शादी या तो विक्रम से करेंगी या फिर कभी नहीं करेंगी, उनके किरदार का सेटअप और पे आप बहुत बचकाना लगता है। पटकथा की प्रगति में भी उनका किरदार ना भावनाएँ जगा पाता है और ना ही उनका किरदार दर्शकों से कोई संबंध बना पाता है। फिल्म शेरशाह सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बचाने के लिए बनी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी श्रेणी के साथ न्याय करने से तो चुकती ही है, इसके हीरो को भी उस मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है जहां उनके आगे की राह और मुश्किल होती दिख रही है। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिंपल चीमा यानी कियारा अडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा अडवाणी जब भी पर्दे पर आती है अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है। फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है, इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएं होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्ज इन देन लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा आडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव पंडित फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है, एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर मेजर अजय सिंह जसोटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है। वह फिल्म में कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा, उनको लेकर आपको बतौर दर्शक की कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म्स ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है। फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से
उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी जाए, यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता निर्देशक कलाकार को देशद्रोही समाजद्रोही बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी पर फिरी चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के शेरशाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिंपल से मोहब्बत हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिंपल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा, तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि जल्दी लौटना है तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णुवर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई 2 चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा अपने सीनियर को, इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर। पहले नाइक पॉइंट 5,140 चोटी को पाकिस्तानियों से आज़ाद करता है और फिर पॉइंट 4,875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का ख़त्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस OTT को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म के रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म, वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें यह सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि OTT के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपनी के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है। लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की 16 अवस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बॉल छीनता है,
तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपट कर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियाँ इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म सिरसा की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में बनी हैं, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार की मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म सिरसा में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि दो रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णु वर्धन की यह फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है। निर्देशक विष्णु वर्धन ने फिल्म की पटकथा को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती है। फिल्म शुरू में हालांकि दिखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को तो फिल्म भी थोड़ा बहुत फुटेज में मिला भी है, लेकिन शिव पंडित, निकेतन धीर जैसे कलाकारों के साथ निर्देशक न्याय नहीं कर सके। सताफ फिगार ने अपनी तरफ से किरदार की कद्र करने की पूरी कोशिश जरूर की है। फिल्म सिरसा को इसके रोमानी ट्रैक से मदद न मिल पाना इसकी आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। फिल्म कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी ने फिर एक बार अपने हुनर के साथ नाइंसाफी होने देने की इजाज़त इस फिल्म में दी है। फिल्म में जब वह कहती हैं कि वह शादी या तो विक्रम से करेंगी या फिर कभी नहीं करेंगी, उनके किरदार का सेटअप और पे आप बहुत बचकाना लगता है। पटकथा की प्रगति में भी उनका किरदार ना भावनाएँ जगा पाता है और ना ही उनका किरदार दर्शकों से कोई संबंध बना पाता है। फिल्म सिरसा सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बचाने के लिए बनी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी श्रेणी के साथ न्याय करने से तो चुकती ही है, इसके हीरो को भी उस मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है जहां उनके आगे की राह और मुश्किल होती दिख रही है। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिंपल चीमा ने कियारा आडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा आडवाणी जब भी पर्दे पर आती हैं अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है। फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है, इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएं होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्जन
रियल लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा आडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिस जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव पंडित फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है। एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर मेजर अजय सिंह जसोरटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है। वह फिल्म में कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा उनको लेकर आपको बतौर दर्शक की कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है उसे देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है। फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी जाए, यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता निर्देशक कलाकार को देशद्रोही समाजद्रोही बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी बर्फीली चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के शेरशाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिंपल से मोहब्बत हो जाती है जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिंपल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि जल्दी लौटना है तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णु वर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई 2 चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा अपने सीनियर को, इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर।
पहले नायक पॉइंट 5140 चोटी को पाकिस्तानियों से आज़ाद करता है और फिर पॉइंट 4875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का ख़त्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस ओटीटी को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म की रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें यह सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि ओटीटी के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपनी के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है। लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की शौरावस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बॉल छीनता है तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपटकर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियां इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में है, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार की मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि दो रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णु वर्धन की यह फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है। निर्देशक विष्णु वर्धन ने फिल्म की कथा को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती हैं। फिल्म शुरू में हालांकि दिखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को तो फिल्म भी थोड़ा बहुत फुटेज में मिला भी है, लेकिन शिव पंडित, निकेतन धीर जैसे कलाकारों के साथ निर्देशक न्याय नहीं कर सके। सताफ फिगार ने अपनी तरफ से किरदार की कद्र करने की पूरी कोशिश जरूर की है। फिल्म शेरशाह को इसके रोमानी ट्रैक से मदद न मिल पाना इसकी आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। फिल्म कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी ने फिर एक बार अपने हुनर के साथ नाइंसाफी होने देने की इजाज़त इस फिल्म में दी है। फिल्म में जब वह कहती हैं कि वह शादी या तो विक्रम से करेंगी या फिर कभी नहीं करेंगी, उनके किरदार का सेटअप और पे आप बहुत बचकाना लगता है। पटकथा की प्रगति में भी उनका किरदार ना भावनाएँ जगा पाता है और ना ही उनका किरदार दर्शकों से कोई संबंध बना पाता है। फिल्म शेरशाह सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बचाने के लिए बनी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी श्रेणी के साथ न्याय करने से तो चुकती ही है, इसके हीरो को भी उस मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां उनके आगे की राह और मुश्किल होती दिख रही है। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है।
फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिम्पल चीमा यानी कियारा अडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा अडवाणी जब भी पर्दे पर आती हैं, अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है। फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है। इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएं होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्जर देन लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा आडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव पंडित फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है। एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर, मेजर अजय सिंह जसोरटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है। वह फिल्म में कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा, उनको लेकर आपको बतौर दर्शक की कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म्स ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है। फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी जाए, यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता, निर्देशक, कलाकार को देशद्रोही, समाजद्रोही बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है, क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है।
फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी बर्फीली चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के शेरशाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिंपल से मोहब्बत हो जाती है जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिंपल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि जल्दी लौटना है तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णुवर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई 2 चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा। अपने सीनियर को इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर। पहले नाइक पॉइंट 5,140 चोटी को पाकिस्तानियों से आज़ाद करता है और फिर पॉइंट 4,875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का ख़त्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस OTT को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म की रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें ये सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि OTT के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपनी पसंद के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है। लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की 16 अवस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बॉल छीनता है तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपटकर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियां इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में है, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार की मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि 2 रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णुवर्धन की यह फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है।
निर्देशक विष्णु वर्धन ने फिल्म की पटकथा को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती है। फिल्म शुरू में हालांकि देखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को तो फिल्म भी थोड़ा बहुत फुटेज में मिला भी है, लेकिन शिव पंडित, निकेतन धीर जैसे कलाकारों के साथ निर्देशक न्याय नहीं कर सके। सताफ फिगार ने अपनी तरफ से किरदार की कद्र करने की पूरी कोशिश जरूर की है। फिल्म शेरशाह को इसके रोमानी ट्रैक से मदद न मिल पाना इसकी आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। फिल्म कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी ने फिर एक बार अपने हुनर के साथ नाइंसाफी होने देने की इजाजत इस फिल्म में दी है। फिल्म में जब वह कहती हैं कि वह शादी या तो विक्रम से करेंगी या फिर कभी नहीं करेंगी, उनके किरदार का सेटअप और पे आप बहुत बचकाना लगता है। पटकथा की प्रगति में भी उनका किरदार ना भावनाएं जगा पाता है और ना ही उनका किरदार दर्शकों से कोई संबंध बना पाता है। फिल्म शेरशाह सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बचाने के लिए बनी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी श्रेणी के साथ न्याय करने से तो चुकती ही है, इसके हीरो को भी उस मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है जहां उनके आगे की राह और मुश्किल होती दिख रही है। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिंपल चीमा यानी कियारा आडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13 JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा आडवाणी जब भी पर्दे पर आती है अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है। फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है, इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएं होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्ज इन देन लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा आडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव पंडित फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है, एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर मेजर अजय सिंह जसोटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है। वह फिल्म में कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा, उनको लेकर आपको बतौर दर्शक की कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म्स ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है।
फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी जाए, यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता निर्देशक कलाकार को देशद्रोही समाजद्रोही बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी पर फिरी चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के शेरशाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिंपल से मोहब्बत हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिंपल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा, तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि लौटना है तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णु वर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई 2 चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा अपने सीनियर को, इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर। पहले नाइक पॉइंट 5,140 चोटी को पाकिस्तानियों से आज़ाद करता है और फिर पॉइंट 4,875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का ख़त्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस OTT को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म की रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें यह सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि OTT के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपनी पसंद
पसंद के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है, लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की किशोरावस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बॉल छीनता है तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपटकर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियां इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में है, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार की मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि दो रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णु वर्धन की यह फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है। निर्देशक विष्णु वर्धन ने फिल्म की कथा को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती है। फिल्म शुरू में हालांकि दिखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को तो फिल्म भी थोड़ा बहुत फुटेज में मिला भी है, लेकिन शिव पंडित निकेतन धीर जैसे कलाकारों के साथ निर्देशक न्याय नहीं कर सके। सताफ फिगार ने अपनी तरफ से किरदार की कद्र करने की पूरी कोशिश जरूर की है। फिल्म शेरशाह को इसके रोमानी ट्रैक से मदद न मिल पाना इसकी आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। फिल्म कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी ने फिर एक बार अपने हुनर के साथ नाइंसाफी होने देने की इजाज़त इस फिल्म में दी है। फिल्म में जब वह कहती हैं कि वह शादी या तो विक्रम से करेंगी या फिर कभी नहीं करेंगी, उनके किरदार का सेटअप और पे आप बहुत बचकाना लगता है। पटकथा की प्रगति में भी उनका किरदार ना भावनाएँ जगा पाता है और ना ही उनका किरदार दर्शकों से कोई संबंध बना पाता है। फिल्म शेरशाह सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बचाने के लिए बनी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी श्रेणी के साथ न्याय करने से तो चुकती ही है, इसके हीरो को भी उस मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां उनके आगे की राह और मुश्किल होती दिख रही है। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिंपल चीमा ने कियारा आडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा आडवाणी जब भी पर्दे पर आती हैं अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है।
फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है, इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएँ होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्जर देन लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा आडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है, एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर, मेजर अजय सिंह जसोरटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है, वह फिल्म में कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा, उनको लेकर आपको बतौर दर्शक की कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है। फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी जाए, यह सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता, निर्देशक, कलाकार को देशद्रोही, समाजद्रोही बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है, क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी पर फिरी चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के शेरशाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिंपल से मोहब्बत हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिंपल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा, तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि
नजदीक लौटना है तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णु वर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई दो चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा। अपने सीनियर को इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर। पहले नाइक पॉइंट 5140 चोटी को पाकिस्तानियों से आजाद करता है और फिर पॉइंट 4875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का खत्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस ओटीटी को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म की रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें ये सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि ओटीटी के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपनी पसंद के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है। लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की किशोरावस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बॉल छीनता है तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपटकर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियां इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में है, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार की मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि दो रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णु वर्धन की यह फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है। निर्देशक विष्णु वर्धन ने फिल्म की कथा को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती हैं। फिल्म शुरू में हालांकि देखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को तो फिल्म भी थोड़ा बहुत फुटेज में मिला भी है, लेकिन शिव पंडित, निकेतन धीर जैसे कलाकारों के साथ निर्देशक न्याय नहीं कर सके। सताफ फिगार ने अपनी तरफ से किरदार की कद्र करने की पूरी कोशिश जरूर की है। फिल्म शेरशाह को इसके रोमानी ट्रैक से मदद न मिल पाना इसकी आखिरी और सबसे अहम कड़ी है। फिल्म कबीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी ने फिर एक बार अपने हुनर के साथ
नाइंसाफी होने देने की इजाज़त इस फिल्म में दी है। फिल्म में जब वह कहती हैं कि वह शादी या तो विक्रम से करेंगी या फिर कभी नहीं करेंगी, उनके किरदार का सेटअप और पे आप बहुत बचकाना लगता है। पटकथा की प्रगति में भी उनका किरदार ना भावनाएँ जगा पाता है और ना ही उनका किरदार दर्शकों से कोई संबंध बना पाता है। फिल्म शेरशाह सिर्फ सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बचाने के लिए बनी एक ऐसी फिल्म है जो अपनी श्रेणी के साथ न्याय करने से तो चुकती ही है, इसके हीरो को भी उस मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है जहां उनके आगे की राह और मुश्किल होती दिख रही है। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्टन बत्रा के पराक्रम और साहस के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कारगिल युद्ध अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध में देश ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान के सैनिकों ने कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा LOC पर भारतीय हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। उनके अतुलनीय साहस और पराक्रम के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। इस युद्ध में देश ने अपने बहादुर बेटों को खोया, यह उनकी शहादत ही है। उनकी वजह से देश का सिर आज गर्व और सम्मान से ऊंचा है। डायरेक्टर विष्णु वर्धन और लेखक संदीप श्रीवास्तव ने फिल्म की शुरुआत कैप्टन विक्रम बत्रा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बचपन से की है। वह धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्हें डिंपल चीमा यानी कियारा अडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13JAF राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती है। यही नहीं, कियारा अडवाणी जब भी पर्दे पर आती हैं अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में खर्च हो जाता है। फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यह देरी आपको खलती है, इस कारण फिल्म की गति भी धीमी पड़ती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लगता है। यह भी सच है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाने का काम आसान नहीं था। कई सारे तथ्य, बहुत सारा एक्शन, उसमें परिवार और प्यार भी, इन सबको समेटना और कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक जीत को उसी जज्बे के साथ सिनेमाई पर्दे पर रखना, यह सब कठिन काम था। फिल्म एक दूसरे भाग में अधिकतर घटनाएं होती हैं, लिहाजा फिल्म स्पीड पकड़ती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को लार्ज इन देन लाइफ वाले अंदाज में पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। युद्ध के सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा और निखर कर आते हैं। कियारा आडवाणी अपने किरदार में ठीक लगी हैं। वह एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो दिल से भी बहादुर है। उनके किरदार में फिल्म की कहानी के हिसाब से करने को बहुत कुछ नहीं है। शिव पंडित फिल्म में कैप्टन संजीव जामवाल के किरदार में है। एक ऐसा किरदार जो बाहर से जितना कठोर दिखता है अंदर से उतना ही कोमल है। निकेतन धीर मेजर अजय सिंह जसोरटिया के किरदार में अच्छे लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सतप फिगर का है। वह फिल्म में कर्नल योगेश कुमार जोशी के रोल में हैं और प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म में कुछ रूढ़िवादी विचार और बरसों से चली आ रही सोच भी दिखती है, खासकर पाकिस्तान को लेकर। कुल मिलाकर शेरशाह एक देशभक्ति फिल्म है। युद्ध के कई सीन दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें और बड़े स्तर पर फिल्माया जा सकता था। कारगिल युद्ध को लेकर देश ने जो कुछ भुगता और साहस को जो गाथा, उनको लेकर आपको बतौर दर्शक की कमी खलती है। हालांकि बॉलीवुड में वार फिल्म्स ने अब तक जिस तरह की सफलता पाई है देखते हुए शेरशाह हालिया रिलीज इस जॉनर की कई फिल्मों से आगे है। यह आपको एक ऐसी कहानी दिखाती है जो प्रेरणा भी देती है। फिल्म की कहानी आपको बांधती है। वर्दी में वीर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते देखना, अपनी मिट्टी के लिए अंतिम सांस तक डटे रहना, यह सब एक दर्शक के तौर पर आप में भावनाएं जगाती हैं। शेरशाह की सबसे बड़ी जीत यही है कि इसमें देश के हालिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसमें एक उत्साह भी है और हाई जोश भी। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म शेरशाह शुरू से अंत तक यही एकमात्र संदेश देती है। तमिल में बतौर निर्देशक 8 फिल्में बना चुके विष्णु वर्धन पहली बार हिंदी में आए हैं। निर्माता करण जौहर की यह फिल्म कारगिल युद्ध 1999 के परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन से प्रेरित है। बात बात में विवादों से उबल जाने वाले इस दौर में निर्माता फिल्म से पहले डिस्क्लेमर में साफ साफ कर देते हैं कि इसे शहीद की हूबहू कहानी न मानी
जाए या सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें सेना से जुड़े दृश्यों को फिल्माने में बहुत सावधानी बरती गई है। कोई भूल चूक भी हो तो वह जानबूझकर या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। सिनेमा संवेदनशील दौर में संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा है। जरा सी गलती निर्माता निर्देशक कलाकार को देशद्रोही समाजद्रोही बताकर कटघरे में खड़ा कर सकती है। कारगिल युद्ध का यूं तो कई हिंदी फिल्मों में जिक्र आया है, मगर इस पर LOC, लक्ष्य स्टम्प्ड, धूप, टैंगो चार्ली और मौसम से लेकर गुंजन सक्सेना जैसी फिल्में बनी हैं, मगर शेरशाह इनमें अलग है क्योंकि यह पूरी तरह एक शहीद की असली बहादुरी पर केंद्रित है। फिल्म शेरशाह खास तौर पर दिखाती है कि हमारी सेना के जाबाजों ने कैसे 16,000 से 18,000 फीट ऊंची ठंडी बर्फीली चोटियों पर चढ़ते चढ़ते हुए दुश्मन पाकिस्तानी फौज को परास्त किया था। वह कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके जैसे बहादुर ही थे जिनकी बदौलत देश ने तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के आदेश पर हमारी सीमा में घुसी पाकिस्तानी सेना को ठिकाने लगाया। पाकिस्तान का झूठ और ढिठाई ऐसी थी कि उसने युद्ध छेड़ने के आरोप से इनकार करते हुए अपने सैनिकों की लाशें स्वीकारने तक से इनकार कर दिया था। अब हमारी सेना ने पूरे सम्मान के साथ उन्हीं चोटियों पर दुश्मन सिपाहियों को दफन किया। फिल्म में यह बात बताई गई है जो निश्चित ही पाकिस्तान को आईना दिखाएगी। 2 घंटे से अधिक के शेरशाह में युद्ध सैनिक के रूप में विक्रम बत्रा के पराक्रम पर फोकस है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए मनोरंजक बनाने के वास्ते लव स्टोरी भी सधे हुए अंदाज में पिरोई गई है। चंडीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ने वाले विक्रम बत्रा को सिख वाला डिंपल से मोहब्बत हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए शादी के इरादों तक पहुंचती है, मगर डिंपल के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं है। बावजूद इसके जब लगता है कि यह प्यार सुखद अंजाम तक पहुँचेगा, तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और घर वालों से मिलने आया विक्रम तुरंत ड्यूटी पर लौट जाता है। जब दोस्त उसे कहता है कि लौटना है तो विक्रम का जवाब होता है, तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट कर आऊंगा। शेरशाह निर्देशक विष्णुवर्धन ने कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य को विस्तार से फिल्माया है और पाकिस्तानियों द्वारा कब्जाई 2 चोटियों को छुड़ाने में उनकी भूमिका पर विशेष फोकस किया है। युद्ध मिशन पर आते कैप्टन विक्रम बत्रा को कोड वर्ड मिलता है, शेरशाह मिशन सफल होने पर उनकी तरफ से क्या संकेत दिया जाएगा। अपने सीनियर को इस सवाल पर बत्रा का जवाब होता है, ये दिल मांगे मोर। पहले नाइक पॉइंट 5,140 चोटी को पाकिस्तानियों से आज़ाद करता है और फिर पॉइंट 4,875 को पाकिस्तानियों से मुक्त कराने का सीधा मतलब था युद्ध का ख़त्म होना, क्योंकि इस चौकी से दुश्मन भारतीय सीमा में 70 किलोमीटर तक के इलाके को नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज यहाँ के नए सिरे से हथियार और रसद पहुँचाते, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दशकों से एक अलग तरह की ही दुनिया में जीती रही है। इस दुनिया में स्वस्थ आलोचना की जगह कम ही होती है। हम सितारों को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद आती है और अब ये रोग उस OTT को भी लग चुका है जिस पर फिल्म शेरशाह प्रसारित हो रही है। फिल्म की रिलीज से पहले जतन किए गए थे कि किसी तरह फिल्म शेरशाह के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी ही बातें लिखी जाएँ, लेकिन अच्छी बात वही होती है जो पाठकों को किसी भी फिल्म वेब सीरीज या डिजिटल फिल्म के लिए सच्ची सच्ची लिखी जाए, बजाय समीक्षकों पर मानसिक दबाव बनाने के। प्राइम वीडियो अगर अपनी फिल्मों के चयन में ईमानदारी बरते तो उन्हें यह सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्राइम वीडियो पर पाताल लोक, पंचायत जैसी दमदार वेब सीरीज भी प्रसारित हुई हैं और उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिल्म शेरशाह की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई उससे प्रतीत यही होता है कि OTT के पास सही कंटेंट का चुनाव करने वाली टीम तो है ही नहीं, उनका प्रचार प्रसार देखने वाली टीम भी समीक्षकों के दबाव में रखकर अपनी के रिव्यूज लिखवाने में यकीन रखती है। लेकिन शेरशाह एक औसत फिल्म है और यही हकीकत है। फिल्म शेरशाह की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी पटकथा। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सीरियल परमवीर चक्र में अपने शहर के शहीद की कहानी देख फौज में जाने की प्रेरणा पाने वाले विक्रम की कहानी उनके जुड़वा भाई से सुनते हुए फिल्म एक वार फिल्म की तरह कभी आगे बढ़ नहीं पाती। दर्शकों को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि ये जो संवाद अभी बोले जा रहे हैं उनका मकसद आपको एक शहादत के लिए तैयार करना है। फिल्म अपने ईमानदार प्रयास से यही से भटकते शुरू होती है। विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी है कि वह देश में ज़्यादातर लोगों को पता है, जो कुछ फिल्म में वह पहले से सबको पता है। विक्रम मल्होत्रा की 16 अवस्था में अपने से 21 युवा से क्रिकेट बॉल छीनता है,
तो जो कुछ करता दिखता है वह फिल्म को मदद नहीं करता है और ना ही वह संवाद फिल्म में कोई ड्रामा ला पाता है। जब वह तिरंगे में लिपट कर वापस आने की बात करता है, शहादत की कहानियाँ इतने हल्के से नहीं लिखी जाती हैं। फिल्म सिरसा की सबसे कमजोर कड़ी है विक्रम बत्रा के किरदार में सिद्धार्थ मल्होत्रा की कास्टिंग। सिद्धार्थ की दैहिक भाषा फौज की नहीं है और उनको एक फौजी के रूप में पेश करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी कायदे से नहीं हुई है। कारगिल युद्ध पर इससे पहले भी तमाम फिल्में बनी हैं, लेकिन सब में दिक्कत यही रही कि एक फौजी या उसके परिवार की मानवीय संवेदनाएं सामने लाने में चूक जाती रही है। फिल्म सिरसा में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हालांकि दो रोल किए हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही है कि वह किरदार को समझने और उसे पढ़ने की मेहनत नहीं करते। निर्देशक विष्णु वर्धन की यह फिल्म सिद्धार्थ को सिनेमा में लाने वाले करण जौहर ने बनाई है और उनकी ही बनाई एक कारगिल वार फिल्म गुंजन सक्सेना के सामने बहुत कमजोर फिल्म है। निर्देशक विष्णु वर्धन ने फिल्म की पटकथा को संतुलित करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की है। एक वार फिल्म हमेशा एक समूह की वीरता से सांसें पाती है। फिल्म शुरू में हालांकि देखती है कि विक्रम अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों में समान रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अपने जोड़ीदार के साथ आखिरी पराक्रम के लिए चुने जाने से ठीक पहले वाला सीन बहुत नकली लगता है। फिल्म के सहायक कलाकारों के किरदारों को ठीक से ना पनपने देना फिल्म की चौथी कमजोर कड़ी है। साहिल वैद को